बैक टू बैक डबल सेंचुरी, क्या मजाक लगाया हुआ है यशस्वी जायसवाल ने। मतलब अभी तो आपका करियर इसी, मतलब अभी इसी साल क्या पिछले साल ही शुरू हुआ है वेस्टइंडीज के खिलाफ, और अभी तो आपकी बस शुरुआत ही, और शुरुआत में ऐसे धमाके, चौके, छक्के, तो भाई साहब कट भी हैं, तो पुल भी हैं, तो ड्राइव भी हैं, तो रिवर्स भी। इंडिया के पास पहले ही प्लेयर्स की कमी नहीं थी, लेकिन इंडिया को एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट फ्यूचर का प्लेयर मिल चुका हुआ है यशस्वी जायसवाल की सूरत के अंदर, जो कि सेंचुरी मारता है, वो सेंचुरी मार के थकता ही नहीं है। ओ भाई, वो कहता है कि सेंचुरी को मैंने 200 में करना ही करना है। कमाल की बैटिंग, और अगर देखा जाए तो 12 छक्के 14 चौके, एक टेस्ट इनिंग्स में 12 छक्के लगाना इतना आसान काम नहीं होता। 12 छक्के 22 छक्के सीरीज में क्रिकेट के 147 साल इतिहास में, हिस्ट्री में एक सीरीज में 22 छक्के आज तक नहीं पड़े, तो ये सारी चीजें इसके नाम पे है। इसके स्टैट्स निकाल के देखो, सिर्फ और सिर्फ 7वां टेस्ट मैच ये लड़का खेल रहा है, और 7 टेस्ट मैचेस के अंदर 3 times 150 प्लस स्कोर यशस्वी जायसवाल के नाम रहा है, और 2 times 200 प्लस स्कोर। इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया आज, ये बेसबॉल फुटबॉल घुस गया। खास करके यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने इंग्लैंड के धागे खोल के रख दिए, अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। जितना भी देखे, जितना भी क्रेडिट दे, छक्के आज तक एक सीरीज में नहीं लगे, 22 क्या 20 भी नहीं लगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज यशस्वी जायसवाल ने फिर से एक दोहरा शतक, और मतलब 200 बना दिया है, और कल जो पेंडिंग था मतलब 140 जो रन उन्होंने बना के गए थे, और ऐसा लग ही रहा था कि अगर कल वो आउट नहीं हुए थे तो 200 जरूर बनाएंगे, लेकिन वो कल रिटायर्ड आउट होकर चले गए थे। लेकिन जो पेंडिंग था दोहरा शतक उनके ऊपर, तो आज उन्होंने बना लिया, और ऐसा बहुत दिनों से मतलब ये कह रहे थे कि भाई जायसवाल से रन नहीं आ रहा है, लेकिन जायसवाल ने पहले ही बता दिया, डेब्यू में भी उन्होंने 100 किया था, और दोहरा शतक भी उनसे पहले उनके नाम रह चुका है। लेकिन ये जो दोहरा शतक किया है ये यादगार पल रहेगा, क्योंकि ये इंग्लैंड के खिलाफ है, और एंडरसन को आज जिस तरह उन्होंने धुलाई की है, मतलब क्या ही कहना, एक मतलब इतना है इंटेलिजेंट बॉलर को आप मारना चौके छक्के हर ओवर में, तो बताता है कि आप किस पायदान का बैट्समैन हो। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया भी जमकर तारीफ कर रहा है जायसवाल की, तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंदर। मतलब बैक टू बैक डबल सेंचुरी, क्या मजाक लगाया हुआ है यशस्वी जायसवाल ने। मतलब अभी तो आपका करियर इसी, मतलब अभी इसी साल क्या पिछले साल ही शुरू हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और अभी तो आपकी बस शुरुआत ही, और शुरुआत में ही ऐसे धमाके, चौके, छक्के, तो भाई साहब कट भी हैं, तो पुल भी हैं, तो ड्राइव भी हैं, तो रिवर्स स्वीप भी है, तो स्वीप भी है, तो स्कूप शॉट भी है, तो रिवर्स स्कूप शॉट भी है, कौन सा कंप्लीट पैकेज यहाँ नजर आना शुरू हो चुका है, जो कि एक दफा 50 बनाता तो सेंचुरी की तरफ जाता है, सेंचुरी बनाता तो 150 की तरफ जाता है, 150 पे जाता तो 200 को टारगेट करता है। मतलब इस मॉडर्न डे क्रिकेट के जमाने में एक ऑर्थोडॉक्स बैटर आपको दिखता है, जो एक कंप्लीट T20 माइंडसेट के साथ टेस्ट मैच में बैटिंग करता है, और सोने पे सुहागा ये हो टीम के लिए कि उसके ऊपर सरफराज खान जैसा भी एक आपके पास बैटर हो, जो कि अग्रेसिव ही खेलना जानता है, उसने अपनी दोनों इनिंग्स के अंदर। इंडिया के पास पहले ही प्लेयर्स की कमी नहीं थी, लेकिन इंडिया को एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट फ्यूचर का प्लेयर मिल चुका हुआ है यशस्वी जायसवाल की सूरत के अंदर, जो कि सेंचुरी मारता है, वो सेंचुरी मार के थकता ही नहीं है। ओ भाई, वो कहता है कि सेंचुरी को मैंने 200 में करना ही करना है। इसके स्टैट्स निकाल के देखो, सिर्फ और सिर्फ 7वां टेस्ट मैच ये लड़का खेल रहा है, और 7 टेस्ट मैचेस के अंदर 3 times 150 प्लस स्कोर यशस्वी जायसवाल के नाम रहा है, और 2 times 200 प्लस स्कोर। इंडिया ने इस वक्त तबाही मचा के रख दी है, 500 प्लस का टारगेट जिसको कहते हैं दे दिया है इंग्लैंड को, लग पता जाएगा अब इतनी खतरनाक किस्म की जो लीड आई है। सरफराज खान अनदर 50 डेब्यू वाले टेस्ट मैच के अंदर 250 मार दी, लेकिन जायसवाल, ओ भाई जायसवाल ने मेला लूट लिया। शानदार किस्म का ये खिलाड़ी है, शानदार किस्म का ये प्लेयर है, और इसने जिस किस्म के तरीके से जिमी एंडरसन के करियर को तबाह किया, इतने लंबे करियर को, उसको छक्के पे छक्का मार रहा है, उसके खिलाफ ऐसी हिटिंग कर रहा है, इतने छक्के यशस्वी जायसवाल ने मार दिए कि मतलब कि ये लड़के की अगर आप 200 की बात करो तो इसने 200 तो 31 बॉलों के ऊपर इसने 200 मार दिए। ये तो तेज खेल रहे, जो बेसबॉल 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 का धुआं मचाया हुआ है, पागल बनाया हुआ है, बेसबॉल का रियल बेसबॉल नहीं है, जेसबॉल है जो ये लड़का खेल रहा है। ये अपनी नेचुरल गेम खेलता है, अपनी नेचुरल गेम से क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है कि आप ये देखें कि बैक टू बैक 200, सेकंड टेस्ट मैच के अंदर 200 आया, तीसरे टेस्ट मैच के अंदर दोबारा से 200 आ गया है।
ये कोई कम चीज नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज होती है और इसको एडमिट करना पड़ना है कि इंडिया जिसको कहते हैं एक बहुत बड़े खिलाड़ी को प्रोड्यूस कर चुका हुआ है। शुभमन गिल का पिछला साल था, ये वाला साल यशस्वी जायसवाल के नाम है। जिस किस्म की जायसवाल परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, माइंड ब्लोइंग, सुपर, इसका मुकाबला ही नहीं बन रहा भाई, इसका मुकाबला बन ही नहीं रहा, सिंगल हैंडली लेके चल रहा है। आज गिल भी सेंचुरी डिजर्व करता था, रन आउट हो गया 91 के ऊपर, उसने भी शानदार बैटिंग की, उसने भी दिखाया कि मैं अभी तक जिसको कहते हो ना कायमो दाइमो। सरफराज खान अनदर 50, खुशी हुई देख के सरफराज खान की 50 को देख के, जिस किस्म का उसने 50 करके दिखाया, मजा आया देखने का। और जायसवाल के छक्के तो रुकते ही नहीं है ना, मतलब कि ये बंदे को आप देखें, जो बंदा इतनी देर से खेल रहा हो वो थक जाता होता है, उससे फिर जिसको कहते हैं ना सिक्सेस नहीं लगते होते, लेकिन जायसवाल आगे बढ़ बढ़ के मार रहा है, हर जगह मार रहा है। इसकी क्वालिटी ये है कि ये लेग का छक्का 12 छक्के 22 छक्के सीरीज में क्रिकेट के 147 साल इतिहास में, हिस्ट्री में एक सीरीज में 22 छक्के आज तक नहीं पड़े। तो ये सारी चीजें इसके नाम पे है, जितना भी देखे जितना भी क्रेडिट दे, कम होगा। इतने छक्के आज तक एक सीरीज में नहीं लगे, 22 छक्के नेवर, 22 क्या 20 भी नहीं लगे, दो के बाद और आगे तो, और अभी 3 मैच हो रहे हैं, 2 मैच इसके बाद है, इसके बाद 2 मैच और भी है। तो कहने का मकसद यह है, आज जिस तरह देखे बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे, अभी पानी का वक्फा हुआ है एक ओवर पहले। किसी भी बायलैटरल सीरीज में इंडिया की जानब से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज जो है वो यशस्वी जायसवाल बन गया है। कमाल खेला, और साथ में अगर देखा जाए तो सरफराज इसकी क्या ही तारीफ करें, 2 इनिंग्स खेली है, दोनों इनिंग्स में जो है वो 50 बनाई है, पहली इनिंग्स में रन आउट हो गया, और आज की इनिंग्स में अगर डिक्लेयर ना किया जाता तो जिस तेवर के साथ ये खेल रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि ये भी जो है वो 100 बनाने को देख रहा है, लेकिन इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया गया टाइम को देखते हुए, और सरफराज का 100 तो नहीं हो पाया, लेकिन ये जो बैटिंग उसने की है ना ये किसी 100 से कम नहीं थी। बहरहाल दूसरी साइड जो जायसवाल कर रहा है ना भाई, पहले मैच में 50, दूसरे में 200 लगा दिया, तीसरे में भी 200 लगा दिया, भाई एक प्लेयर से आपको और क्या चाहिए, 22 साल का लड़का है, और जितनी ये स्ट्रगल करके आया हुआ है ना कि पानी पूरी बेचते हुए जो है वो फिर उसके बाद आके इंडिया का जो एक मैन बल्लेबाज बन जाना, और अब इसको इंडिया का फ्यूचर देख रहे हैं कि यार ये जो है वो इंडिया का फ्यूचर है, और इंडिया का फ्यूचर जो अब राइट है ये तो कोई डाउट कर ही नहीं सकता, खास करके सरफराज जायसवाल और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों की बैटिंग को देखते हुए। आज अगर देखा जाए तो 430 पे 4 आउट और इनिंग्स को डिक्लेयर किया इंडिया ने। अब इंडिया को 556 रन्स की जो लीड है वो हासिल हो चुकी है, 556 रन्स इंग्लैंड को बनाने हैं भाई, चार तकरीबन 4.5 सेशन में, अभी उसके बाद टी ब्रेक होगी, उसके बाद फिर एक सेशन बाकी और कल के 3 सेशन, जो कि इंग्लैंड के लिए मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान होगा यहाँ से ये मैच निकाल के ले जाना और ये मैच जीतना। लेकिन जो कमाल की बैटिंग जो इंडिया की जानब से देखने को मिली है ना, ऐसा लग रहा है कि अब इंग्लैंड को अगर कोई इस मैच में बचा सकता है ना वो बारिश ही बचा सकती है, या कोई बहुत अनबिलीवेबल जो है वो कोई बैटिंग जो है वो इंग्लैंड को इस मैच में बचा सकती है। बिल्कुल बैज बॉल मची हुई थी, लेकिन बैज बॉल कैसे खेला जाता है वो जायसवाल ने और सरफराज ने बता दिया है। जैसे जो है वो जायसवाल ने एंडरसन को जो है एक ही ओवर में 3 छक्के उठा के दे मारे, और एंडरसन की बहुत ज़्यादा धुलाई की है। एंडरसन का जो करियर है उसमें ये दूसरी बार हुआ है, पहले इनको जो है जॉर्ज बेली ने पर्थ में जो है 3 छक्के लगाए थे टेस्ट क्रिकेट में, और अब जो है वो जायसवाल ने यहाँ पर जो है वो राजकोट में एक ही ओवर में जो एंडरसन को 3 छक्के लगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया जमकर तारीफ कर रहा था जायसवाल की, और करना भी चाहिए क्योंकि जायसवाल ने आज जिस तरीके से अपना दोहरा शतक बनाया, मतलब लग रही रहा कि भाई कोई 22 साल का बंदा अगर ऐसा मार रहा है और ऐसा तहलका मचा रहा है, वो भी इंग्लैंड की बड़े बड़े बॉलर के सामने, जेम्स एंडरसन ले जाए, मार्क वुड ले जाए, और वहां पर जो मतलब स्पिनर को जैसे धुलाई की है, मतलब क्या ही कहा जाए, और एंडरसन को जैसे खुल के मार रहे थे, तो ऐसा शायद ही कोई बैट्समैन एंडरसन के खिलाफ खेल रहा, वो भी 22-23 साल की उम्र में, और ये ही दिखाता है कि भाई जायसवाल के पास कितना पोटेंशियल है और कितना टैलेंट है, स्किल से भरपूर ये बैट्समैन है। ये पहले ही अपने डेब्यू में जब 100 बनाया था तो एक स्टेटमेंट दे दिए थे कि मैं आ गया हूं अब इंटरनेशनल मतलब क्रिकेट में और मैं ही छा जाऊंगा, अब मतलब कोई बैट्समैन की मतलब आप सोचना भी मत ओपनिंग में, मैं जब रोहित शर्मा के सामने खड़े हो जाऊंगा, साथ खड़े हो जाऊंगा, तो कोई भी बॉलर मुझसे मतलब रोहित शर्मा से पहले मुझसे देख के डरेगा कि भाई पहले जायसवाल की मतलब कैसे उनके खिलाफ बॉलिंग किया जाए।
तो ये आज जायसवाल ने करके बताया कि भाई मतलब एक टीम में विराट कोहली मतलब रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन होते हुए भी अगर आपकी इतना ज्यादा चर्चा हो और आप लगातार रन बनाते रहे हो, 100 और 200 मारते रहे हो, तो वो आपकी पोटेंशियल दिखाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।